एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज आप देख रहे हो, ये जो मेरे पास जेड प्लांट है, ये बहुत ही मतलब इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ मैं आज जो करने वाली हूँ, इसकी मैंने कुछ कटिंग्स ली है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसके जो पहले वाला वीडियो था, उसमें मैंने कैसे बोनसाई हम बना सकते हैं, उनकी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, अलग अलग प्लांट्स की। जैसे कि जो पीपल का पेड़ होता है उसका जो बोनसाई बनता है, और अभी जेड प्लांट है तो फाइकस का बोनसाई आप कैसे बना सकते हो, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उसी में मैंने ये जो कट किया था कटिंग्स, तो आप अभी मैं इसमें ये शेयर करने वाली हूँ कि आप इन कटिंग्स को कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की ये क्यूरी होती है। जेड प्लांट जो है वो बहुत ही हार्ड टू ग्रो है, ये हमारे घर में टिकता ही नहीं है, बहुत पानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। सो मैंने आज जो है थ्रूली मैंने कटिंग्स ले ली है। अभी अभी जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें सभी कटिंग्स चल जाती है। तो मैंने इसे सॉइल मिक्स में मैंने 50% यहाँ पर लिया है कोकोपीट, और 50% मैंने गार्डन सॉइल ली है, और यहाँ पर मैंने जो रूट हार्मोन होता है उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर हनी लिया है। हनी बहुत ही अच्छा काम करता है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे बेसिकली मैंने वो मिक्स कर दिया है सॉइल। तो मैंने यहाँ पे कंपोस्ट नहीं लिया है, क्योंकि मुझे अभी इनको सिर्फ रूट्स लाने हैं। जब भी मैं इनकी प्रॉपर मिट्टी तैयार करूँगी तो मैं इसके हिसाब से 10% 20% कंपोस्ट ले लूँगी। तो हमें जो कटिंग है वो लेनी है, और याद रखना हमेशा कि कटिंग लेते समय हमें अच्छी वाली सीजर यूज़ करनी है, यानी कि इन्फेक्ट होनी चाहिए, वो उसमें कुछ लगाने होना चाहिए, तो कटिंग्स जो हमारी ईजिली ग्रो हो जाती है। तो मैं डीप कर लूँगी हनी में इसे, इसकी जो रूट है वहाँ पे लास्ट वाले एंड पॉइंट पे, और इस तरह से मैं मिट्टी में डाल दूंगी। आप यहाँ पे जो सिनेमन पाउडर होता है ना, वो भी आप बाद में, अगर आप हनी में डीप करते हो उसके बाद आपको सिनेमन पाउडर में डीप करना है, और उसके बाद आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से आपको यहाँ पे मिट्टी में उसे डाल देना है। सिनेमन पाउडर और जो हनी का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उससे जो रूट्स है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। या फिर आप एलोवेरा जेल जो होता है, जो फ्रेश एलोवेरा के लीफ लेके उसका जेल निकाल के उसमें भी डीप करके आप डाल सकते हो, वो भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। लेकिन अभी ये जो मौसम है इसमें आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी कटिंग ग्रो ना हो, तो आप किसी भी तरह की कटिंग यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लीव्स थी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 4-5 लीफ ही रहने दिए, बाकी सब जो भी नीचे के लीफे में सब निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें अब फोकस इस बात पर करना है कि इसकी किसी भी तरह से इस कटिंग में जो है वो रूट्स आ जाए। अभी अगर इसमें लीफ कम रहेगी तो उसमें ताकत भी कम लगेगी उनको लीव्स में खाना पहुँचाने के लिए, और उनका सभी जो मेन उसका वो कटिंग का पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि रूट जल्दी से डेवलप करो, और उसके बाद फिर वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देगा। तो इस तरह से मैं एक एक करके डाल दे रही हूँ। मेरा ये जोड़ी बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी जो बेसिस होता है, एक प्रोसेस होती है जो गार्डनिंग वर्क है, मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो इससे पहले के वीडियो भी आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको जाके ये वाला वीडियो समझ में आएगा। लेकिन जिन लोगों को कटिंग लगानी है या फिर थोड़ा सीखना है, वो इस वीडियो में से कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारी कटिंग एक ही कंटेनर में यहाँ पे लगा दी, छोटा सा पॉट लिया है मैंने, और उसमें मैंने सारी कटिंग में यहाँ पे ग्रो करने वाली हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट वीडियो भी ज़रूर देंगे कि किस में कटिंग्स में रूट्स आए हैं, किस में नहीं आए हैं। प्लांट जो होता है ना, उसे ना ज़्यादा सॉलिड मिट्टी या फिर ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके अगर आपके पास पहले से ये वाला प्लांट है तो आप अभी इसको रिपॉट कर सकते हो, 0.5% आप कोकोपीट और 0.5% गार्डन सॉइल लेके आप मिक्स करके थोड़ा कंपोस्ट डाल के अब इसको रिपॉट आप कर सकते हो। तो इस तरह का मेरी ये वाली जो गमला है यहाँ पे तैयार हो चुका है, और इसकी लीफ जो है ना, लीफ में भी रूट्स आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी उसकी हार्ड या फिर अच्छी वाली लीव्स थी वो भी मैंने यहाँ पे मिट्टी में डाल दी है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट के आता है, मैं आपको आने वाली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी क्लिक कर लो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के अच्छे अच्छे नए नए गार्डनिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।